हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और दिवाली के लिए स्पेशल मिठाई, जिसमें खर्चा तो बिल्कुल कम है और बनती भी हेल्दी है। और आप एक बार खाओगे तो खाते रह जाओगे। इतनी अच्छी टेस्टी बनती है, जो बाज़ार में इतनी महंगी मिलावटी होती है बाज़ार की मिठाई, और इतनी महंगी भी मिलती है, तो घर पर बनाइए। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस मिठाई को बनाने के लिए मैंने लिए हैं थोड़े से बादाम और खजूर लिया है, और सूखा नारियल। आप सूखे नारियल की जगह आप काजू भी ले सकते हो। तो हम बादाम और सूखे नारियल को पहले ग्राइंड कर लेंगे। देखिए ग्राइंड हो गया है। अब इसमें हम खजूर को डाल देते हैं, उसको भी ग्राइंड कर लेंगे। इस तरह से हम थोड़ा सा मिश्रण लेंगे और हाथों की सहायता से, उंगलियों की सहायता से हम इसे अच्छी एक शेप दे देंगे, कटोरी टाइप। फ्रेंड, इस तरह से कटोरी बनाइए। देखिए ये हेल्दी भी है और टेस्टी भी है, बिना शुगर के है। हम बाज़ार से इतनी मिलावटी और मिठाई लेके आते हैं, तो बच्चों को ये खिलाइए, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। या आप कटोरी किसी भी स्पून, ये देखिए इस तरह से स्पून ले लीजिए, उसमें ये मिश्रण डालिए, और किसी से भी आप इसमें हॉल कर सकते हो, बेलन या किसी भी की सहायता से। तो ये देखिए हमारी सारी कटोरियाँ बनकर रेडी हैं। अब नेक्स्ट प्रोसेस है, मैंने थोड़ा सा आटा लिया, उसको अच्छे से भून लिया है, और इसमें थोड़ा गुड़ मिला दिया है। और भूनने के बाद देखिए तैयार है। अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद इसमें कोई भी आप ड्राई फ्रूट डालिए, और ड्राई फ्रूट डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मैंने आटे को देसी घी में भुना है। अब इसके हम लड्डू बना लेंगे। तो देखिए लड्डू भी बहुत ईजी तरीके से बन रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, लड्डू बनकर बिल्कुल रेडी है। तो इसके ऊपर हम कटोरी के ऊपर सर्व कर देंगे, तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है। वो देखिए हमारे बिल्कुल रेडी है, तो इसके ऊपर हम सर्व कर देंगे। वैसे हम सिंपल लड्डू रखते हैं, आप इस तरह से रखिए मेहमानों के आगे, तो लगेगा भी अच्छा और एक दिवाली स्पेशल मिठाई हो जाएगी। आप इस पर किसी तरह के भी लड्डू सर्व कर सकते हो, बेसन के लड्डू या ड्राई फ्रूट के लड्डू, कोई भी लड्डू बना सकते हो। और या फिर आप काजू के बनाकर और उसमें ड्राई फ्रूट भरकर भी सर्व कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छा लगता है। वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।